हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। भारत रत्न अटल जी का निधन देश के हर व्यक्ति को शोकाकुल कर गया। एक मंझे हुए राजनेता के साथ अटल जी कुशल लेखक और उम्दा कवि भी थे, लेकिन 93 वर्ष की उम्र में बीमारियों से जिंदगी की जंग हार गए। अटल जी को जिन बीमारियों ने जकड़ रखा था उनमें किडनी का संक्रमण और डिमेंशिया प्रमुख थी। बता दें कि पिछले 9 हफ्तों से किडनी में संक्रमण, छाती में संकुलन और पेशाब कम होने के चलते एम्स में एडमिट कराए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साल 2009 से ही डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। अटल जी पर डिमेंशिया का प्रभाव। इस बीमारी के चलते अटल जी अपने दैनिक कार्य ठीक से नहीं कर पाते थे। इस बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त भी इतनी कमजोर हो गई थी कि कभी कभी वो अपना नाम, साल और महीना तक भूल जाते थे। इस बीमारी की वजह से अटल जी बोलते वक्त सब तक भूल जाते थे। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के मूड में भी बार बार बदलाव आता रहता है। उम्र बढ़ने की वजह से अक्सर लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। डिमेंशिया के लक्षण। इसमें मरीज नाम, जगह, तुरंत की गई बातचीत को भूलने लगता है। मरीज अवसाद से पीड़ित हो जाता है। बातचीत करने में दिक्कत होती है और व्यवहार बदलने लगता है। खाने पीने और निगलने में दिक्कत होती है। बीमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। चीजों को रखकर लोग भूल जाते हैं। यही वो बीमारियां थी जिसने अटल जी को कमजोर कर दिया था और इन बीमारियों से जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते 93 वर्ष की उम्र में अटल जी दुनिया को अलविदा कह गए। टीम न्यूज़ आई।